प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पथ कई बार अग्निपथ का रूप भी लेता है, जब आपको तमाम ऐसे वरिष्ठ नेताओं को भी मनाकर जो रूठे होते हैं साथ आगे बढ़ना पड़ता है। इसी बीच खबर यह आ रही है कि कई लोगों को गवर्नर पद दिया जा सकता है। सीधे रुख करते हैं अमिताभ सिन्हा, हमारे सहयोगी हमें बताएंगे वो संभावित नाम कौन कौन से हैं। और जो तस्वीर उभर कर आ रही है, कल्याण सिंह हो, लालजी टंडन हो, अमिताभ, उनसे ऐसा ही लगता है कि एक वक्त पर जैसे कांग्रेस में रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलता था, जो जो रूठे हैं वरिष्ठ हैं उनको मनाना है तो ये एक दे दीजिए, वैसा ही कुछ होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग पार्टी से जुड़े रहे, लगातार पार्टी से काम करते रहे, जो पुराने पार्टी के संघ से जुड़े हुए लोग थे, उनको एनडीए की वाजपेयी सरकार के दौरान भी कई लोगों को गवर्नर बनाया गया था। केदारनाथ सहनी जैसे कई नेता उस समय आपको याद होगा जब गवर्नर बने थे। और इस बार भी कई नेताओं ने, जिन्होंने बड़े नेताओं के लिए अपनी सीटें छोड़ी हैं, खासकर कैलाश जोशी जिन्होंने भोपाल की सीट सुषमा स्वराज के लिए खाली की थी, उसके बाद लालजी टंडन का नाम ले सकते हो, विजय कुमार मल्होत्रा जो वरिष्ठतम नेता पार्टी के माने जाते हैं, तो ऐसे ऐसे तमाम ऐसे कई नाम हैं अंजना जिनको गवर्नर के तौर पर देखा जा सकता आने वाले दिनों में। लेकिन अभी सरकार या प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसे कोई सीधे संकेत नहीं आए कब ये रिशफल होगा। हो सकता है संसद का ये सत्र बजट सत्र हो जाए, उसके बाद कुछ रिशफल हो, लेकिन फिलहाल ये जो बड़े नाम है, ये बड़े नाम इनको हो सकता है कि गवर्नर बनाया जा सके, ये चार पांच बड़े नाम। यशवंत सिन्हा को अभी तक कोई काम मिला नहीं है, उन्होंने अपने स्वेच्छा से अपनी लोकसभा की सीट छोड़कर अपने बेटे को चुनाव लड़वाया था। उम्मीद की जा रही थी कि उनको कोई वित्त मंत्रालय में कोई बड़ा पद मिल सकता है या फिर फाइनेंस कमीशन में कोई पद मिल सकता है, योजना आयोग में कुछ मिल सकता है, लेकिन अभी तक तो कुछ संकेत ऐसे मिले नहीं है। तो हो सकता है, संभव है कि गवर्नरशिप के लिए उनका नाम किसी बड़े राज्य में, क्योंकि एक सक्षम नेता है वो, इसलिए हो सकता है कि बड़े नाम के तौर पर उनके सामने आए वो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ सिन्हा, हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी। ये है वो नाम जो आने वाले वक्त में राज्यपाल के रूप में अलग अलग जगहों पर पहुंच